ये मेरी पायलट है। प्लेन उड़ा रही थी, बस गिर मत जाना। साजिद का वेट कर रही थी वो बिग बॉस में जाने का। साजिद सुपरस्टार हो जाए, हंसी का पति, कभी राज कुंद्रा कभी साजिद। मैं विदाउट हो गया हूं, मैं एक मिनट में बैठ जाती हूं। ठीक है, धक्का मारो बेट। इसका कवर बता, धक्का मत मारो। यहाँ की चली दुबई। हाँ मैं जा रही हूँ दुबई। इंटरनेशनल है आजकल, इंटरनेशनल। हाँ ये मेरी पायलट है। मैं प्लेन उड़ा रही हूँ। आदिल भाई का क्या हाल है? आदिल तो दुबई में है, दिल्ली जा रहे हैं। आज पता नहीं बस अच्छे पहन लिए, नजर लग गई है। ट्रैफिक की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं छोड़ने आई हूँ। बस गिर मत जाना। नहीं गिर भी सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर कुछ अलाउड नहीं करेंगे तो बस आ जाते। सचमुच ऐसा लगा कि 10 खंभे पिए हुए। राखी को 2 इंजेक्शन लगे हैं मॉर्निंग में, तब से मैं अच्छा बहुत हार्ड इंजेक्शन लगे। राखी जी शर्लिन चोपड़ा ने कंप्लेन फाइल की है साजिद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में, कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, बिग बॉस के घर से निकाला जाए उन्हें लगातार, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे नहीं पता है कि वो उसने कंप्लेंट 4 साल के बाद क्यों करी। साजिद का वेट कर रही थी वो बिग बॉस में जाने का। साजिद सुपरस्टार हो जाए, व्हाई शी इज़ डूइंग लाइक दिस? कभी किसी का पति, कभी राज कुंद्रा, कभी साजिद। अरे मैं कहती हूँ आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दो ना। क्या लगता है आप शर्लिन चोपड़ा अभी कंप्लेन कर रही है, मतलब आप ना कुछ कहना चाहती है, मतलब बोल कर? देखिए मी टू के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि ही टू के लिए आवाज़ उठे। सिर्फ औरतों के साथ शोषण नहीं होता, आदमियों के साथ भी शोषण होता। एक भी आदमी बाहर आके कंप्लेंट नहीं लिखाता है कि मेरे साथ शोषण होता, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या पता कोई साजिद खान का नाम गलत तरीके से यूज़ कर रहा हो, क्या पता कोई और भी लोगों का नाम यूज़ कर रहा हो।